इंसान हूँ मैं, को रोबोट ना हूँ तो 24 घंटे काम करता रहूँ। इस भूमि का बच्चा को हम ऐसे सुधराता है, ऐसे ड्यूटी करेगा, अब सिखाएगा। किशन भाई, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। हमको कभी ड्यूटी के टाइम डॉली मत बुलाना। हम तो तुम्हारा पति है। तुम हमारा पति सिर्फ घर पे है, इधर सिर्फ वॉचमैन। कौन जी, ये डोली के साथ क्या दुर्घटना हो गई? ऐसे रातों रात कंगाल हो गए। हैप्पी होम के सोसाइटी के हर घर में ना पानी नहीं आ रहा है। तुम हर घर में बाल्टी में पानी पहुंचा। हाँ हाँ, तुमको ये काम खुद को करना पड़ेगा। मोटर तुमने जलाया है ना, अभी ये काम जाके करो, हर घर में ना बाल्टी से पानी पहुंचाओ। समझा तू? ए वॉचमैन, इधर कहाँ घुसा रहा है? डॉली, तू कैसा बात कर रहा है? तो उधर पंप रूम में ना हम प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पाता, बहुत गंदा है ना। तभी ना हम अपना घर आ गया। आहा, तुम्हारा घर? ये मेरा घर है और मैं ये सोसाइटी का चेयरपर्सन हूँ। और एक चेयरपर्सन का पति वॉचमैन नहीं हो सकता, समझा तुम? ओहो टॉली, हम परमानेंट वॉचमैन नहीं है। उमी को सबक सिखाने के लिए हमसे 24 घंटा के लिए वॉचमैन बना। तुम उमी को सबक सिखाओ, हम तुमको सबक सिखाएगा। जाओ, जाके एक बाल्टी पानी लेके आओ, हमको नहाना है। डॉली, ये तू क्या बोल रहा है? हम तुम्हारा पोती है, तू हम पर एकदम तरस नहीं खाता। तरस? पूरा सोसाइटी का मेंबर पानी के लिए तरस रहा है और हम तुम पर तरस खाएगा? भूल जाओ। इतना स्ट्रिक्ट तो तुम ओमी के साथ भी नहीं है, लेकिन हमको नहीं पता था कि तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। ए मिस्टर वॉचमैन, वॉचमैन बनने से पहले तुमको सोचना चाहिए था, अभी कुछ नहीं हो सकता। जाओ, जाके अपना ड्यूटी करो, निकलो जल्दी से, निकलो, चलो घर से, जल्दी करो। डॉली, डॉली। अरे डॉली पत्नी है कि बिल्ली? कमाल है, सबके घर में हम पानी भर दिया। और हमारा बोतल खाली। मेरे टिफिन ने तुम्हारे टिफिन को हक किया। सच सच बोलना, तुम ये खाना मेरे लिए लाई हो ना? पहले आप बताइए कि आप ये टिफिन हमारे लिए लेकर आए हैं ना? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, ये टिफिन मैं बाबा के लिए लेके आया हूँ। तो हम भी आपसे झूठ नहीं कहेंगे, ये टिफिन भी हम आपके बाबा के लिए लेकर जा रहे हैं। इतना ख्याल क्यों है तुम्हें मेरे बाबा का? आपके पापा भी तो हमारे होने वाले। हमारा मतलब है कि हमने सोचा कि वो ड्यूटी छोड़कर खाना खाने कैसे आएंगे, इसलिए। सुमितो, तुम इधर क्या कर रहा है? बाबा, माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। तुम्हारा माँ भी एक अजीब औरत है, जब सामने आता है तो हमको खाने को दौड़ता है और पीछे से हमको खाना भेजता है।
बेटा पुष्पा, तुम इधर क्या कर रहा है? वो कहा है ना, हम छोटा रिचार्ज करवाने जा रहे थे। छोटा रिचार्ज कराने? टिफिन साथ में? वो कहा है ना कि हमको थोड़ा थोड़ा देर में भूख लगते रहती है, इसलिए हम अपना डब्बा अपने पास ही रखते हैं और थोड़े थोड़े देर में पेट पूजा का छोटा छोटा रिचार्ज कर लेते हैं। बहुत अच्छा करता है बच्चा। बेटा सुमितो, तुम ये खाने का टिफिन अभी इधर टेबल पे रख दो, हमको एकदम भूख नहीं है। बाबा, आपके बिना डाइनिंग टेबल बहुत सूना लगता है बाबा। बेटा सुमितो, ये सब तुम्हारा माँ जो भी बोलता ना, बहुत अच्छा लगता। डॉली को कितना बार हम बोला है कि खाना तीखा बनाया करो, पर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। ज्यादा बोलो तो कहता है किसी को खाना तीखा पसंद नहीं। पता नहीं कि फीका खाना इनका गला से कैसे उतरता है। हरा मिर्ची, अब हम किधर हरा मिर्ची ढूंढेगा? हाँ, किचन। ये तो हमको चोर समझ के डर गया है, पर डॉली जो दे हमको देख लिया ये सच में हमको पुलिस के हवाले कर देगा। ए सुमित, अमित देखो किधर है, देखो। अरे देखो उधर, इधर देखो। अरे बाबा, ये कौन है? लेके आ उसको और मार उसको, और मारो और जोर से मारो। सोसाइटी के चेयरपर्सन के घर में चोरी करने घुसता है? बदमाश कहीं का, मारो, छोड़ो मत उसको, और पूछ के मारो। अरे अरे अभी तो तुम्हें तो तुम्हारे बाबा। पुरी बाबा, बाबा सॉरी सॉरी बाबा, हमको नहीं मालूम था कि आप ही चोर हैं। आपको ज्यादा लगा तो नहीं ना बाबा? सॉरी बाबा। तो हमको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है उस पंच का जो तुम्हारा माँ ने हमको मारा। हे भीषण, तुम बात को घुमा मत। ये बोलो कि ड्यूटी के टाइम तुम इधर क्या कर रहा है? देखा ना, हम बोला था ना कि हमको डॉली यही लाइन बोलेगा। क्या बोला तुम? हरा मिर्ची। तुम हमको हरी मिर्ची बोला? नहीं नहीं डॉली, हम बोला कि हम हरा मिर्ची लेने आया था। तुम कभी कोई काम ठीक से करेगा? हे माँ दुर्गा, ये आदमी हर जगह हमारा नाक कटवा के रखा है। कभी चौकीदार बन के बैठ जाता है, कभी चोर बन के किसी के घर में घुस जाता है। हाँ बाबा, ये सब की अब खत्म करो ये सब ड्रामा। हाँ बाबा, आपके चौकीदार बन जाने से लोग हमारे बारे में क्या सोचेगा? नहीं बेटा, इसमें ना तुम्हारा बाबा का इज्जत का सवाल है। हम उस ओमी का बच्चा को बोला है कि हम उसको 24 घंटा के भीतर उसको उसका ड्यूटी सिखा के ही मानेगा। हे भीषण, अब तुम ओमी को ये मत सिखा देना चोरी चुपके हरी मिर्ची लेने के लिए किसी के घर में कैसे घुसा जाता है। डॉली, हम तुमको एक बात बोलूं कि जब तुम गुस्सा करता है ना, एकदम हरा मिर्चा लगता है। भीषण, चल भाई ऊपर जाके आराम से सोता हूँ। अच्छा, मुन्ना ड्यूटी सिखावे थे हैं? खुद ही आज पहले दिन ड्यूटी पे सो रहे। काम करता हूँ, पूरी सोसाइटी में हड़कंप मचाता हूँ। सिंगा सिंगा
ना जय सिंह जी, एक सनसनीखेज खबर है। ऑपरेशन किया है वो आपका नया वॉचमैन है ना, बड़े आराम से ड्यूटी में सो रहा है। देखना चाहते हो आ जाओ। अरे काम करना, एक गवाह भी लेते आना। हाँ हाँ ठीक से साहब जी। ओए मुंगी के बच्चे खोते हो, हैं? यहाँ पर ये भीषण जो है ना पूरी तरह से जागा हुआ है, तू नौकरी बचाने के लिए झूठ भी बोलने लगा। रे सिंह दादा, ये मुंगी का बच्चा आपका नौकरी बचाने के लिए विभिन्न प्लान करके हमारा प्लान को नष्ट करना चाहता है। अच्छा हो गया आपका है, हो गया। अगर आपकी पिक्चर खत्म हो गई हो तो मैं अपना ट्रेलर दिखाऊं साहब जी। मन्ना दे रहा था, गरीब भी पेट ना भरा हो ना तो वीडियो दिखाऊं, हैं? दिखाऊं? दिखाऊं दिखाऊं। ओए पिशोन, वो तो ड्यूटी पे सोता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है। अरे शेर सिंह दादा, आप बताओ कौन सा वॉचमैन 24 घंटा नौकरी करता है? मैं? अरे वो तो अपना सोसाइटी है, इस वॉचमैन को 24 घंटा का पगार देता है। अरे हम लोग इसलिए देता है कि उसका घर अच्छी तरह चल सके और उसको दूसरा सोसाइटी में जाके काम करना नहीं पड़े। अरे भाई भीषण, तुम मेरा बात मानो, भूमि को वॉचमैन का काम करने दो भाई, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। अरे टोटर मॉल जी, अभी 24 घंटा होने में काफी देर है। अरे हम आपको अपने आप को साबित करके दिखाएगा। तो चलो ठीक है, लेकिन ड्यूटी पर सोना मत। और हाँ सुनो, मेरी गाड़ी खड़ी है, उसको जरा फटका मार के साफ कर देना, ये लो 20 रुपए। देखो मेरी फटपटी 3 महीने से ऐसे बंद पड़ी है, मिट्टी जम गई है, अच्छे से धोके उसको चिमका देना। पैसा? अरे ऐसे कैसे पैसे, देतानी से पैसे मांगता है। दिया ना 20 रुपया, 10 रुपया इसकी गाड़ी का, 10 रुपया मेरी गाड़ी का। चलो चलो। सब जी, मेरी साइकिल भी धो दे। वॉचमैन शर्म नहीं आती, ड्यूटी पे सोता है। अरे कैसा बात कर रहा है, तुमको मैनर्स वैनर्स नहीं है क्या? अरे मेरे को मैनर करना आता है, जगह से हिल, पहले फटाफट पेपर सबको बांट किया। ए, ये पेपर बांटना हमारा काम नहीं है, ये ड्यूटी तुम्हारा है। अबे ढेर सारे कौए, तेरी सोसाइटी का नियम बना हुआ है कि कोई भी बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता, जगह से हिल, पेपर बांट किया। किलो ताजा ताजा भैंस का दूध। ये दूध वाला, हमको सिर्फ एक पैकेट दूध चाहिए। ओ चौकीदार, ये सारी थैलियां तुम्हारे लिए नहीं है, ये सोसाइटी में बटने के लिए हैं। तू का है, अब हम अंदर सोसाइटी में तो जा नहीं सकते। पता नहीं सोसाइटी वाले कैसे कैसे मूर्ख लोगों को चौकीदारी पर रख लेते हैं। हैप्पी होम सोसाइटी का मेंबर लोग अपना आपको हैप्पी रखने के लिए एक दूसरा आदमी को कितना अनहैप्पी रखता है। अरे वॉचमैन, ऐसे ही किसी के घर में मुंह उठा के चले आते हो का? हम आपका दूध और अखबार लाया था। हाँ ठीक है ठीक है, पर ये का दूध का एक ही पैकेट का? हम तो दो कहे थे ना, तुम्हारा बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं है। ओ सौरभ जी, आप ये हमसे कैसा बात कर रहा है? ऐसे ही बात करें जैसे एक वॉचमैन से बात करना चाहिए। और वैसे हमको हमारा नाम लेके काहे पुकारा तुमने? हाँ हमको मैडम या मेम साहब कह के बुलाओ, समझे? अगर मैं टोडरमल की बात मानी ना, मैं तुझे तोप से उड़ा दूंगा। लंबड़ को अगर तूने नहीं बुलाया ना, तो केजी से ऐसे तेरे छोटे 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 टुकड़े करके कट पीस काट दूंगा। हमको मैडम या मेम साहब कह के बुलाओ, समझे? सॉरी मैडम जी,
लेकिन वो दूध वाला तो चला गया है। क्या चला गया? रुको एक मिनट, ये लियो। और जो गली का नुक्कड़ के पास दुकान है ना, वहां से जाके एक दूध का पैकेट लेकर आओ। मैं जाऊं मैडम जी? तो क्या हम जाएंगे? अरे तुम वॉचमैन हो तो तुम ही जाओगे ना, हम को नो वॉच वुमेन थोड़ी है। हम तो हाउस वाइफ है और आज रहते भी हमारा खीर खाने का बहुत मन हो रहा है। अब खड़े क्या हो, जल्दी से जाकर दूध लेकर आओ। अरे दुनिया, दूध लाए कोई और खीर खाए कोई। लिफ्ट को भी अभी खराब होना था, ये बार बार सात तला नौ तला चढ़ चढ़ के मिशन तेरा तो दम ही निकल जाएगा। लाओ भाई, चाय हो गया है। और दूध का थैला किधर है? अरे आप अखबार दूध में डुबो डुबो के खाएगा क्या? घन चक्कर वॉचमैन भाई, अरे अखबार को ऐसे चाय में डुबो डुबो के नहीं खाएगा, अखबार वाचेगा और चाय पिएगा। चलो जाओ दूध लेकर आओ। दूध? दूध तो हम पी गया। कांजी, तुम्हें दूध ऐसे गटक गटक के पी लो? बोलो तो मेरे को मालूम है, डॉक्टर भाई ने मेरे को बोला है कि रोज सवेरे बराबर 7:30 बजे मेरे को दूध पीने का है। अभी 7:35 हो गए हैं, 5 मिनट लेट हो गई मैं। 5 मिनट, 5 मिनट में कितना सारा विटामिन गम हो गया होगा। अभी क्या ऐसे खोया के जैसा ऐसा 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 करता है? जाओ दूध लेके आओ, दूध लेके आओ। अरे मैंने जी सुनिए सुनिए, हाँ मजाक कर रहा था आपके साथ, हम दूध दूध नहीं पिया है। एक्चुअली वो दूध वाला के पास ना दूध खत्म हो गया था, इसीलिए पैसा देके गया है। वाह 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 वाह, पैसा देके गया है तो मैं क्या इसको आरती में डालूं पैसे को? अरे जल्दी जाओ दूध लेके आओ इस पैसे से। तो मैडम जी हम दूध लेने जाएगा? नहीं तो क्या, हम दूध लेने जाएगा? वॉचमैन कौन है? हम। तो दूध लेने कौन जाएगा? हम। तो जाओ ना अरे। दूध का भाव 2 रुपया बढ़ने वाला है। सब लोग हमको वॉचमैन बोल बोल के, हमको तो लगता हैप्पी होम का परमानेंट वॉचमैन बना ही देगा। मैं तो वॉचमैन बन गया, वॉचमैन बन के पागल हो गया। वर्दी मेरा देखो, टूपी मेरा देखो, अरे इस हैप्पी होम में तो एकदम पागल हो गया मैं। अरे भाई भीषण, ओ भीषण, अरे वॉचमैन। जी साहब, जी साहब। इतना ईमानदारी से तुम अपना ड्यूटी देता है, देखो तुम्हारे को भीषण भीषण बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। जब वॉचमैन बोला तो एकदम पलट के जवाब दिया। वाह, स्टार्ट की। इसका मतलब हम ओमी से ज्यादा अच्छा वॉचमैन का वर्क कर रहा है। अरे ओमी से ज्यादा क्या, मैं तो बोलता हूँ तुम पैदाशी वॉचमैन है, पैदा होते ही वॉचमैन बन गया था। अरे तुम्हारे जैसा वॉचमैन तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अच्छा एक काम करो यार, क्या है मेरे काकुश का, मेरा मतलब है मेरे जो बाथरूम का गटर है ना, उसमें कुछ बड़ा बड़ा फंस गया, तुम प्लम्बर को लेके। हाँ अभी बुला के लाता हूँ। ए वॉचमैन। जी सर। सबसे पहले जाके एक इलेक्ट्रिशियन को बुला, मेरे रूम का पंखा अचानक बंद हो गया। हम अभी ला। ए वॉचमैन, तुम्हारे को ऑर्डर पहले किसने दिया था? मैंने दिया था ना, पहले प्लम्बर को बुलाओ, जाओ। ए वॉचमैन, मैं एक रिटायर्ड कर्नल हूँ और एक फौजी का ऑर्डर सबसे ऊपर होता। ओ शेर सिंह, तुम रिटायर्ड फौजी है? रिटायर्ड फौजी यानी पुराना कैलेंडर जो दीवार पे टंगा रहता है, जिसको देखता कोई नहीं है, सिर्फ रद्दी के काम में आता है ऐसा। क्या मुझे रद्दी कहा? अरे मेरी हड्डियों में अभी भी दमखम बाकी है। अरे अभी से ही इतना हिल रहा है, पंखा बनाएगा, पंखा चालू हो जाएगा, ज्यादा हवा लगेगा, उड़ नहीं जावे तुम। अरे बंगाली बाबू, अगर तुमने इस कोडरमल की बात मानी ना तो मैं तुझे तोप से उड़ा दूंगा। अरे ओ वॉचमैन,
प्लम्बर को अगर तूने नहीं बुलाया ना तो चीजें ऐसे तेरे छोटे 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 टुकड़े करके कटपीस काट दूंगा। पहले मेरा पंखा, अरे पहले मेरा गटर, पहले पंखा, पहले मेरा गटर, पंखा, प्लम्बर, पंखा, प्लम्बर, या, या, अरे बाल बचा मत पे। उमी, उमी, ले भाई, ले भाई। ओमी जैसा एक अच्छा ईमानदार वॉचमैन बनना तो बहुत मुश्किल का काम है। हम इस हैप्पी होम का ईशुन तुमको सैल्यूट करता है। ए, क्या करता है? माना, माना हम वॉचमैन बन के पागल हो गया है। अभी पागल नहीं हुआ है कि हम अपना मान मर्यादा भूल जाए। मम्मी हमारा पैंट को बाद में लौटा देगा। अरे भीषण दादा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा वर्दी हमने भरा है ना, तुम्हारे को नया वर्दी दिला दे। अब हमको नया वर्दी नहीं चाहिए और ना ही हमको वॉचमैन बनना। हम समझ गया है कि वॉचमैन बनना कोई आसान काम नहीं है। ऊपर से ये अपना ओमी, ओमी जैसा एक अच्छा ईमानदार वॉचमैन बनना तो बहुत मुश्किल का काम है। हम तो ये भी समझ गया है कि किसी का गलती ढूंढने से पहले अपने भीतर का काबिलियत भी समझो। ओमी हम इस हैप्पी होम का मिशन तुमको सैल्यूट करता है। बस बस साहब जी, आपने जो आज मेरे को इज्जत दी है ना, उससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया साहब जी। आपसे बात करता हूं साहब जी, आज के बाद ना मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा साहब जी, ईमानदारी से करूंगा। मम्मी मम्मी आज के बाद हम तुम्हारा नाम खुद इज्जत से लेगा और अपना हैप्पी होम सोसाइटी के सभी मेंबर से भी बोलेगा हमारे ओमी का नाम बहुत इज्जत से लिया करो। देखा, इसीलिए सियाने कह गए हैं इसका नाम भी कुछ। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, हम हैप्पी होम सोसाइटी वालों ने जानबूझकर भीषण के साथ इतना बुरा सलूक किया था क्योंकि उसका जो ये दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की आदत है ना, हम उसे छुड़वाना चाहते थे। चलो टोडरमल चलें। हाँ कहाँ? अरे भाई प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को बुलाने। देखो आज के बाद हम ओमी को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेंगे जो इसकी ड्यूटी की लिस्ट में शामिल नहीं है। भाई शेर सिंह तुम जाओ इलेक्ट्रिशियन को बुलाने, प्लम्बर का काम यानी गटर को मैं साफ कर लूंगा, इससे प्लम्बर का खर्चा बचेगा ना कटपीस काट के। दादाजी ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा मैं अपनी पेंशन बुक ढूंढ रहा हूँ। तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी जी मैडम, मुझे 6 महीने से पेंशन नहीं मिली। आप पांडे जी कैसे हो सकते हैं? ये फाइल तो बता रही है कि पांडे जी मर चुके हैं। क्या? तो बरोबर बोलता है, तुमको पेंशन नहीं मिल सकता है। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता साहब? ऐसा है ना, सरकार के नियम के हिसाब से 6 महीना 1 साल तक अगर कोई आदमी पेंशन लेने को नहीं आया मन जो मेला